हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि आज हम थोड़ा नया ट्राई कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पास एक बड़ी स्क्रीन जो आई हुई है, एंड इस स्क्रीन में हम पढ़ेंगे सॉफ्ट स्किल के बारे में। सो सॉफ्ट स्किल के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है? तो सॉफ्ट स्किल्स जो होती है हमारी, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है? तो कंटेंट के अंदर में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हम किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, मेकिंग डिसीजन मेकिंग कैसा होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशंस कैसी होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल एंड टाइम मैनेजमेंट वगैरह, ये सारी टॉपिक्स में हम बातें करेंगे सॉफ्ट स्किल्स में। तो सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? हम अगर सॉफ्ट स्किल्स के बारे में अगर जानें कि जब हम लोगों से कैसे बात करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं सॉफ्ट स्किल्स के अंदर में, कि हम किस तरीके से, कितने अच्छे से, तमीज़ से बात करें लोगों से, अच्छे से उनसे पेश आए, उनसे बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए। अभी कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर एक अलग सी एटीट्यूड होती है, और बिकॉज ऑफ कि दे डोंट हैव अ नॉलेज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ठीक है, और वो उनकी बात करने का तरीका एकदम ही डिफरेंट होता है। जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स जो कहते हैं, स्किल ऑफ पीपल के अंदर क्या होता है कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो एक पढ़ा लिखा इंसान और एक इलिटरेट इंसान, जिसने दुनिया को देख के बहुत सारे, मतलब सपोज कि वो जानता नहीं है, वो कॉलेज नहीं गया हो, और उसकी बात करने का तरीका ऐसा होगा कि वो लोगों को उसके कपड़े से जज करेगा। तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि वो, और एक जैसे कि कोई नेता है जो बहुत ही सिंपल कपड़ा पहनता है, तो वो उस बेसिस पे ना, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस वो उसको जज कर देगा कि ये अच्छा है ये बुरा है। एंड अ पार्ट ऑफ दिस कि वो कभी उसकी नॉलेज को नहीं चेक करेगा, उसका रहना सहना तौर तरीका। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंसान को डिफरेंस बनाती है, तो वो सारी चीज़ें आते हैं पीपल स्किल्स में। पीपल स्किल्स का मतलब होता है कि जो हम एट्रीब्यूट है, ठीक है ना, किस तरीके से पर्सनल एट्रीब्यूट और उसके इमोशनल एंड इंटेलिजेंसी को बात करने का तरीका, उससे किस तरह से बिहेव करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब आते हैं जैसे हार्ड स्किल्स को, जैसे अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसके अंदर टेक्निकल स्किल्स की, उसके परफॉर्मेंस, उसके किसी काम को करने का तरीका, जिसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे बहुत ही ज़्यादा जॉब में काम आती हैं। अब आते हैं जैसे कि हार्ड स्किल्स जो है वो क्या है। जैसे कोई भी इंसान अगर इंटरव्यू ले रहा है तो बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरव्यू देना, स्किल होना, अच्छे से बात करना, ये सारी चीज़ें, उनसे एक तरीके से हम्बल रिक्वेस्ट करना, वो सारी चीज़ें हमारी आती हैं सॉफ्ट स्किल्स में। तो इंपॉर्टेंस क्या है सॉफ्ट स्किल्स का? सबसे पहला है कि इंटरपर्सनालिटी रिलेशनशिप, जब हम किसी से बात करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को हर्ट कर दिया, आप किसी से मिले हैं फर्स्ट टाइम एंड मिलने के बाद आप उसको कह देंगे कि भाई आपका कपड़ा जो है अच्छा नहीं है, तो वो क्या है कि सामने वाला क्या बोलेगा? अगर उसके पास अगर अच्छा कपड़ा भी नहीं है या अच्छा तरीका भी नहीं है, तो उसको आप इस तरीके से हर्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कि आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, आपको बात करने का तरीका पता नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये इंटर रिलेशनशिप्स को बिल्ड करता है, इसलिए सॉफ्ट स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं अप्रोप्रिएट डिसीजन, आपको उस वक्त किस तरीके का डिसीजन लेना है। अगर वो इंसान अच्छा कपड़ा या बुरा कपड़ा या अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा है या आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, तो उस वक्त उसको डिसीजन लेना कि उससे कैसे बात करनी। जैसे बोलते हैं कि आपको कि किसी भी अनपढ़ इंसान के सामने ज्यादा बात मत करो वरना वो तुमसे झगड़ने लगेगा, दिस इज अ डिसीजन। आप उससे आर्ग्यू मत कीजिए बिकॉज कि आपको वो हमेशा चाहेगा कि वो आपसे ऊपर आना चाहेगा, ठीक है, वो आपसे ज्यादा ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट कि आपको ये आना चाहिए, तो टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन, डिसीजन लेना आना चाहिए, तो इसलिए इंपॉर्टेंस है आपकी सॉफ्ट स्किल्स। अब आते हैं कम्युनिकेट इफेक्टिवली, आपको कम्युनिकेशंस जो होनी चाहिए आपकी बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए, तो वो चीज़ जानने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर में, ठीक है। अब आते हैं टू गुड गुड इंप्रेशंस इंपैक्ट टू गेन अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो आप देखिए ये सारी चीजें हैं जो हमारे जो हमको आएंगी
कि हमारे इम्प्रेशंस जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो हमारा इम्प्रेशंस होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे सॉफ्ट स्किल्स में आएंगी। तो व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स, तो ये सारी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स है जिस तरह से हम इन सब चीज़ों को बात करेंगे। सबसे पहले हमारा होता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स के हम किसी से कैसे बात करें, किस तरीके से बात करें, क्या लहेजा होना चाहिए, क्या सॉफ्टनेस आनी चाहिए। कोई आपको बदतमीजी से दो आदमी मिलके आपको हर्ट कर रहे हैं तो उस वक्त आपको किस तरीके से बिहेव आना करना चाहिए। तो ये दिस इज द कम्युनिकेशन। अब आते हैं बॉडी लैंग्वेज। आप किसी के पास जाते हैं, आप किस तरीके से बात करते हैं। जैसे आपने मेरा अभी हाल का एक वीडियो देखा होगा जो मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और वो स्कूल्स में असेंबली में मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहा था। तो बॉडी लैंग्वेज वहाँ पे आप देखना, मैं कोट वोट पहने हुआ अच्छे से एकदम तरीके से, तो वो सारी बॉडी लैंग्वेज वो आपको आना चाहिए। मेकिंग डिसीजन, आपको राइट टाइम में राइट डिसीजन लेना आना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन, आप क्या है कि आप कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं, आप बहुत बोर हो गए हैं, आपको मन नहीं लग रहा, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर मैं बोर होना, तो सेल्फ मोटिवेशन कैसे मिलेगी, जब आप वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, चैनल को शेयर करोगे, तो सेल्फ मोटिवेट हो जाऊंगा मैं। आपको लीडरशिप स्किल आना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या है, सबके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती ही होती है, लेकिन क्या होता है कि वो जो है अपने स्किल को सामने नहीं लाते हैं। तो वो चीज आपको पास होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्किंग स्किल, एंड टीम वर्किंग स्किल, टीम में किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, एंड क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को एक क्रिएटिव वे से किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो स्किल भी आपको आनी चाहिए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपको आनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए सही तरीके से, कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है कि टाइम मैनेजमेंट, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, आप एक प्रेशर के अंदर में किस तरीके से टाइम को मैनेज कर सकते हैं, वो स्किल भी आपको आनी चाहिए। दिस इज मैं अभी आपको बताऊंगा कि अभी मैं जिस काम में था, आपको जो वीडियो अपलोड की थी, उस वक्त मेरे पास बहुत प्रेशर था, एंड देन आई डिड माई वर्क। अब आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स ही पढ़ाऊंगा क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, इसको मुझे अपलोड करना है, एंड अगर वीडियो सादे लंबी देखूंगा बनाना है नहीं बनाना है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा मैं इससे ज्यादा जोर नहीं दूंगा। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है हमारा, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है हमारा टॉप मोस्ट स्किल्स में आता है, जिसके अंदर एसेंशियल स्किल है जो हमारे जॉब में बहुत ज्यादा मदद करती है। जैसे पीपल, जिन जो इंसान के पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होता है, वो अपना बिल्ड जो करते हैं, अपना जो रिलेशनशिप है बहुत ही अच्छा बिल्ड कर लेते हैं वहां पे, जो बहुत ही ज्यादा, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करने के लिए लिसन वेल, ठीक है, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, और इस तरीके से बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, इससे हमारे रिलेशनशिप बनते हैं। तो आज तक ये एक ही टॉपिक रखेंगे और फिर हम आपको जल्दी से एक नया वीडियो डाउनलोड करेंगे।